बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत जरूरी होता है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए और हर तरह की समस्या का हल निकालने की काबिलियत होनी चाहिए। और ये सब चीजों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी उम्र गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित करते हुए हिंदुस्तान के ओरूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य के कटक बिसा में एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। रितेश ने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जिले के ही स्कर्ड हार्ट स्कूल से पूरी की और उसके बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। रितेश बचपन से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित थे और उनकी ही तरह अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। ओयरूम्स की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था और उसे ट्रेवल करते समय रूम्स की व्यवस्था करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती और कभी कम पैसों में ही बहुत अच्छी जगह मिल जाया करती थी। और इस तरह उनके दिमाग में अपनी एक ऑनलाइन रूम्स बुकिंग कम्युनिटी शुरू करने का आइडिया आया, जिसमें कि लोगों को अच्छी सुविधा के साथ रहने के लिए अच्छी जगह मिल सके। और 2012 में केवल 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना स्टार्टअप ओरेवल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रेवल्स को थोड़े समय के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन रिजर्व कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ समय बाद ही उन्हें नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे और उसके बाद उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप, जो कि पेपाल कंपनी के को फाउंडर पीटर थेल के थेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता है, के समक्ष रखा और सौभाग्यवश वे इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में लगभग 65 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वे काफी उत्साहित थे। लेकिन धीरे धीरे उनका ये बिजनेस मॉडल प्रॉपर प्रॉफिट देने में असफल रहा और ओरेवल स्टेज घाटे में चला गया। और जितना भी सिचुएशन को सुधारने का प्रयास करते, स्थिति और भी खराब होती जाती और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आई कि उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस योजना पर दोबारा विचार करने की सोची ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या न मिलना कोई समस्या नहीं है, दरअसल कमी है तो होटल्स का कम पैसों में भी बेहतरीन सुविधा का न दे पाना। और फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओरेवल स्टेज में नए बदलाव कर 2013 में बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ पेश किया। अब ओरेवल का नया नाम ओरूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयरूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रेवल्स को किसी होटल में कमरा मुहैया कराना भर नहीं रह गया था, दरअसल अब वह होटल के कमरों की और वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की क्वालिटी का भी ख्याल रखने लगे। इस बार रितेश पहले की तरह गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म 70mm के सीईओ भावना अग्रवाल से मिलकर बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया, जिससे उन्हें कंपनी के लिए सही फैसले लेने में काफी मदद मिली। और इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। किफायती दामों पर बेहतरीन सुविधा के साथ ट्रेवल्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। उसके बाद 2014 में ही दो बड़ी कंपनी लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स LSVP और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने ओयरूम्स में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया। और फिर 2016 में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्ट बैंक ने भी 7 अरब रुपए का निवेश किया, जो कि नई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 जुलाई 2016 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ ने रितेश अग्रवाल को 50 मोस्ट इन्फ्लुएंटल यंग्स इंडियन इनोवेटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में उन युवा इनोवेटर्स को शामिल किया जाता है जो अपनी नई सोच व विचारों से लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं।